वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेमिंग विद जोसिम। सो गाइस, मैं हर बार वीडियो बनाता हूँ कॉमेंट सेंटर या फिर मास्टर लीग के बैटल्स के ऊपर, सो क्योंकि मेरे को कोई अच्छा टॉपिक नहीं मिलता। और जो भी वीडियोस आपको देखना है वो सारे मैंने अपने चैनल में अपलोड किया है। और कुछ ऐसे भी आपके सवाल हैं जो मेरे वीडियो में है, मतलब जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उनमें मैंने उसका आंसर दे दिया है, लेकिन तब भी आप कॉमेंट्स में पूछते हो, शायद आपने वीडियो नहीं देखा होगा। तो अगर आप चाहो तो आप मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा वीडियोस में ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट में जो बेस्ट फॉर नॉन बेबीज़ है उनमें आपको मिलेगा, कि नॉन बेबीज़ के लिए जो भी अच्छे अच्छे चीज़ होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही है गिवअवेज, टॉप प्लेयर्स नेम, ऐसे ही बहुत सारे हैं, तो आप जाके वो देख सकते हो, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको उतना वीडियोस में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आई बटन पे भी दे दूंगा, यहाँ पे आपको देखने में आसानी होगा। तो आज इस वीडियो का, जैसे आप थंबनेल में देखें, कि मैं कुछ ऐसे सवालों का आपका आंसर दूंगा जो आप बहुत ज़्यादा पूछते हो, तो उस पर मैं कुछ कुछ वीडियो भी बना चुका हूँ लेकिन आपको शायद नहीं पता। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मुझे बहुत बार पूछा गया है कि ये वीडियो ऑप्शन कब आएगा भाई, जो वीडियो ऑप्शन पहले यहाँ पे था जो फेसबुक के पास, तो ये क्या किया हुआ और इसके साथ और क्यों मतलब ये चला गया। तो मैंने पॉकेट फंटेसी ने मेरे असल में एक दोस्त के साथ उन्होंने बात किया था, और उसने मतलब उन्होंने बोला था उससे कि ये जो इवेंट है वीडियो ऑप्शन का वो चला गया है, और कब आएगा ये तो नहीं बताया, तो शायद परमानेंटली गया है, मुझे भी पता नहीं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये पहले मैंने बता दिया था एक फ्री फायर के वीडियो के साथ, तो आपने बहुत लोगों ने शायद नहीं देखा, तो यहाँ पे देख लो। तो ये फर्स्ट नंबर का वो था जो मतलब क्वेश्चन था जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा। तो सेकंड नंबर तो है कि रिवल एंड जो स्कोर हम कैसे बढ़ाएं और डायमंड्स। तो मैंने गाइस इसके ऊपर एक अलग से रिवल एंड के ऊपर तो मैंने दो वीडियो बनाया है कि कैसे आपको रिवल एंड पॉइंट बढ़ा सकते हैं, तो बेस्ट फॉर नॉन वी आई पी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल में जाओ और स्क्रोल डाउन करके वीडियोज़ में भी देख सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैं 2480 या फिर 20K के आसपास डायमंड वेस्ट कर रहा हूँ। और उसके साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि कैसे आप मतलब अपना रिवल एंड स्कोर बढ़ा सकते हो। तो पहले एक बहुत दिन पहले 6 मंथ पहले लगभग एक वीडियो है जो जिसमें मैंने बोला कि मतलब डायमंड कैसे कलेक्ट करते हैं और रिवल एंड पॉइंट का भी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में है, तो अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखना तो तुम्हें मिल जाएगा। तो सेकेंड नंबर ये था तुम्हारा। तो थर्ड नंबर पे ये जो मैं आपको बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैंने एक जो भी वीडियो में मैं वैल्यू एड पैक मतलब करता हूँ, वैल्यू एड पैक में डायमंड वेस्ट करता हूँ, 3-4 वीडियो में शायद किया था, हर एक वीडियो में मैंने बोला था कि आप कैसे VI कलेक्ट कर सकते हो। VI मतलब ये जो मतलब एनर्जी होता है 6, जैसे कि मेरे पास है 6385, तो ये कैसे मेरे पास इतना ज़्यादा हुआ, और हर एक वैल्यू एड के मतलब वैल्यू एड में मेरे पास क्यों इतना ज़्यादा हो जाता है, तो सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो क्या करते हैं कि उनको डेली 400 या फिर 300 तक मिलता है जो एनर्जी, VI एनर्जी होता है, और वो उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन नहीं भाई, आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके जमाना होगा, मतलब 300-400 तो मतलब आप डेली ले सकते हो, 200 आपको यहाँ पे क्वेस्ट से मिलेंगे, 100 मिलेगा आपको रात के मतलब इंडियन टाइम के 10:30 बजे से रात के 12:30 बजे तक, मतलब 10:30 PM से 12:30 PM तक, से इन दो टाइम के बीच में जब आप गेम खोलेंगे तो आपको एक क्लेम दिख जाएगा। तो और एक आपको मिलेगा सुबह, बहुत सुबह में, तो वो होगा 4:30 मतलब 4:30 AM से 6:30 AM के बीच में जो टाइम होता है उसके अंदर अगर आप गेम खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतनी जल्दी कोई उठ नहीं पाता। तो मैंने इसलिए बोला कि 300 कलेक्ट करना चाहिए तो कर सकते हो। आप मान लीजिए कि आपको 400 डेली मिल रहा है, तो 30 दिन के हिसाब से वो ज़रूर से ज़रूर होगा 12K मतलब 12,000 VI एनर्जी, तो 12,000 VI एनर्जी कभी भी कम नहीं होता। मैं डेली उतना क्लेम भी नहीं करता, 300-200 ही करता हूँ, तो आप अगर करेंगे 400 तो आपका 12K हो जाएगा आसानी से। तो ये क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है तो बहुत लोगों ने पूछा, क्योंकि भाई पता नहीं क्यों इतना पे ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी आंसर था इसका, तो प्लीज़ और मत पूछो, मतलब इरिटेट सा होता है इस क्वेश्चन को सुनने के बाद। तो होप करता हूँ आप अच्छे से समझ गए हो। तो फोर्थ नंबर पर जो प्रॉब्लम मतलब आपके साथ होता है और आप पूछते हो बहुत, वो है कि भाई कौन सा फ्लूट मैं लूँ रिवेलेंट से। तो 100K तुम करो पहले, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं है, अगर तुम्हारे पास ब्रेव वर्ड TCG है और तुम वो नहीं ले पा रहे हो तो तुम कर सकते हो 60,000 और उसके बाद ले सकते हो वहाँ से।
तो डिपेंड करता है तुम्हारे टीम के ऊपर। और जब तुम मुझे पूछते हो कमेंट सेक्शन में कि भाई मैं कौन सा पोकेमॉन चूज़ करूँ लेबल एंड से 100K में, तो भाई तुम ऐसे बोलोगे तो मैं कैसे तुम्हें बता सकता हूँ। क्योंकि मान लो तुम्हारे पास कोई अच्छा अटैकिंग या फिर स्पेशल अटैकर पोकेमॉन है और डिफेंसिव भी अच्छा खासा है तुम्हारे टीम में, तो तुम अगर स्पीड लो है तुम्हारे टीम में तो जाओ म्यूटू के लिए। लेकिन अगर इसका तो पूरा उल्टा हो, मतलब स्पीड भी है और मतलब अटैकिंग कोई नहीं है और उसके साथ ही साथ कोई डिफेंसर नहीं है, तो तुम ग्राउडन बेजीजेक ले लो अगर, या फिर कायोगर भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम लेना चाहते हो ले लो। और पालकिया लेने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि पालकिया पैराडाइस में भी आता है और तुम पालकिया वहाँ से ले सकते हो, बहुत बार आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। तो मेरी मानना है कि तुम्हारे टीम को पहले देखो, उसके साथ मतलब टीम को सेट करो, उसके बाद अपना जो मतलब चुनाव है वो चुन लो। अगर तब भी समझ नहीं आया तो कमेंट में तुम्हारा टीम बोलना, फिर बोलना कि तुम्हें कौन सा लेना चाहिए, तो मैं शायद से बता सकता हूँ कि कौन तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। हाँ, और एक बात कि अगर तुम कोई पोकेमॉन लेना चाहते हो और उसका कैरी आइटम तुम्हारे पास है तो उसको भेजिए लो, क्योंकि कैरी आइटम जो अल्ट्रा लेजेंडरी पोकेमॉन होते हैं ना, उनका जो 50% पावर अप वही करता है, मतलब 50% मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे, वरना कैरी आइटम के अलावा उतना ज़्यादा कोई खास नहीं होता अल्ट्रा लेजेंडरी पोकेमॉन। तो यही सच है, सब लोग ही जानते हैं, जो तुम देखो अल्ट्रा लेजेंडरी पोकेमॉन्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके कैरी आइटम के साथ ही होते हैं, अगर वो कोई VIP ट्रेनर हो तो, और अदरवाइज लक अगर अच्छा हो तो डायमंड बॉक्स से भी मिल जाता है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे कहाँ से मिला ये मसल बैंड एंड गुरा स्किल, तो भाई मुझे एक गुरा स्किल एंड मसल बैंड मिला था डायमंड बॉक्स से। तो तुम डायमंड बॉक्स में दिया गया था ये जो 2019 के क्रिसमस पर ये पॉकेट फैंटेसी ने हम सबको दिया था, मतलब पूरे गेम जो खेलते हैं सबको दिया था, और कुछ लोगों को नहीं मिला था, मतलब जो खेलने मतलब जो जानते नहीं कि ये इवेंट चल रहा है। तो इवेंट में मैं मतलब एक क्वेस्ट था, वहाँ पे तुम्हें ID कमेंट करना होगा और कौन सा तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए, तो तुम कमेंट करोगे तो मिल जाएगा। वो इवेंट ख़त्म हो गया है बहुत पहले ही, तो कई लोगों को वो चार डायमंड बॉक्स विथ चार कीस मिले थे, तो वो बात अलग है, वो ग्लिच था। तो अगले पॉइंट पे बात करता हूँ जो फिफ्थ नंबर है। नंबर पर जो मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया वो है कि भाई मेरा टीम ये है वो है, मेरा SL का टीम या फिर GL या फिर मास्टर लीग का जो टीम है, मैं उनमें क्या चेंज करूँ, या फिर मतलब कौन सा पोकेमॉन्स मेरे लिए बेस्ट रहेगा, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो भाई मैंने इस पर दो वीडियो अलग से बनाया रखा है कि सिल्वर लीग के लिए और गोल्ड लीग, या फिर एक साथ सिल्वर और गोल्ड लीग का बनाया है। और उसके बाद पहले सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया कि जो आप यूज़ कर सकते हो SL GL एंड मास्टर लीग तीनों में ही। तो मैंने जो पोकेमॉन्स का बताया तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें ही सिर्फ यूज़ करो, तो मैंने बहुत सारे पोकेमॉन, हाँ 100 ज़्यादा से ज़्यादा भी पोकेमॉन्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जो मैंने बताया उनसे भी। तो इतना तो नहीं बता सकता ना एक वीडियो में, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं उतना नहीं बता पाया, जो भी मेरे ख्याल में आ रहा था उनका ही नाम बताया। तो आप एरोडैक्टिल को यूज़ कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है, एरोडैक्टिल भी बहुत ही अच्छा पोकेमॉन है। उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई भी अच्छा पोकेमॉन लगता है उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो तो बेटर रहेगा। आप खुद के ऊपर डिपेंड रहो, किसी और के उतना ज़्यादा डिपेंड मत रहो, खुद से सोचो तो देखना तुम्हारा टीम बहुत ही ज़्यादा होगा और बहुत ही रेयर कलेक्शन तुम्हारा होगा। तो मैं दो वीडियो का लिंक मतलब प्लेलिस्ट में देखना चाहते कि मैंने बोला कि बेस्ट फॉर नॉन VIPs, या फिर तुम वीडियो के सेक्शन में मेरे चैनल में जाके स्क्रॉल डाउन करके तो तुम एक वीडियो का थंबनेल या फिर टाइटल पढ़ के तुम देख सकते हो। तो ये तक था फिफ्थ, मतलब इन पांचों पॉइंट पर मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये पॉइंट्स मुझे सबसे ज़्यादा पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में। तो गाइस होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। तो गाइस बाय।